नमस्कार, मैं हूं कनिष्क। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़। जैसा कि मैं बताया कि आज 21 तारीख है और 21 तारीख को हरियाणा में इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, वोटिंग जो है आज के दिन डाली जा रही है और अभी हम खड़े हैं रामगढ़ में। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको क्या लगता है, वो क्या सोच के इस बार वोटिंग कर रहे हैं। कि मेरा नाम वंदना है, मैं रामगढ़ से ही रहने वाली हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। लेकिन अभी लास्ट में जितनी भी सरकार बनी थी, जो भी थी, उसकी वजह न्यू सरकार बनी है, न्यू गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जितने भी चेंज आए हैं, मतलब उसको देख के लग रहा है भी कहीं ना कहीं तो मतलब विकास तो होगा, कहीं ना कहीं मतलब मन में है, उम्मीद भी है। तो इसी मतलब चीज़ को सोच के वोट डालने आए हम। तो आपने पहली बार वोट डाला है? नहीं, सेकंड टाइम। आपका नाम क्या है? बच्चा राम जी। तो आपने क्या सोच के इस बार मतदान किया है? सोच के चले जी, जिसमें वोट बढ़िया भी सोचे चले नहीं है। तो क्या क्या उम्मीदें थी आपकी सरकार से, जो पूरी आपको लगता है? चलो देखो, मुझे सरकार जो अपने हक में आवागी, यदि बात करेंगे उसके साथ। फिर भी क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं कि रामगढ़ में क्या कुछ होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ है, करता तो कोई है नहीं। कृष्ण कुमार धीमान। तो आपने क्या सोच के इस बार अपना मतदान जो है वो किया है, कि कौन सी आपकी ऐसी जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, वो सॉल्व होंगी? सर सॉल्व तो हो ही नहीं रही अभी। तो क्या क्या जैसे शिक्षा और मतलब सर्विस, ये मेन है। ये स्वास्थ्य हेल्थ भी साथ ही है, हेल्थ होगी तभी आदमी काम करेगा। तो ये है जी, बाकी तो एज इट इज ये है। तो मतलब पिछले 5 साल में इस पर कोई काम हमारे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव में हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में शायद वो जो मिनिस्ट्री लेवल के हैं, जिनका एरिया है, वहाँ पे है डेवलपमेंट, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब ज्ञानचंद गुप्ता कभी नहीं आया यहाँ पे, अब आया था। आपका नाम? मेरा नाम सलीम मोहम्मद है। तो आपने इस बार जो मतदान किया है, क्या सोच के मतदान किया है कि जो अगली सरकार आएगी, क्या क्या आपके जो परेशानियां हैं वो सॉल्व करेंगे? पहले सर हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है जी, किसी को भी लड़का हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि लड़के सारे नशे में हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब की बार जो होएगा ना, कैंडिडेट आएगा तो अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा हमारे यूथ के लिए। पिछले 5 साल में इस पर कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ सर। हरविंदर सिंह। तो आपने इस बार पहली बार अपना जो मतदान है वो किया है? हाँ जी। तो क्या सोच के आपने वोट जो है वो डाली है, कि क्या आपकी जो परेशानियां हैं देखने को जो मिल रही हैं वो सॉल्व होंगी? एक तो हमारे यंगर है कैंडिडेट, और उसने जो भी वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। हमारे रिलेटिव्स हैं, और जो भी समस्या होगी गांव की सबसे पहले हल होगी। आज तक 5 साल में रही है बीजेपी, एक बार भी नहीं आई गाँव में। 5 साल पहले वोट मांगने आए थे और आज 5 साल बाद आए वोट मांगने। तो मतलब कोई काम यहाँ पे नहीं किया गया? कोई काम नहीं हुआ, कोई बच्चों के लिए कुछ नहीं। तो आपका नाम? कैलाश शर्मा। तो आप अभी मतदान करके आए हैं, तो आपके जो मन में क्या विचार थे कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो सॉल्व करेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिससे आपने मतदान किया? सबसे पहले तो बेरोजगारी की समस्या बहुत है, और नंबर दो बड़े सतह पर तो काम होते रहते हैं बड़े, जैसे कोई यूनिवर्सिटी बना दी, होटल बना दिए, कुछ भी बन गए। लेकिन जो छोटे समस्याएं हैं, छोटे आम लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कहीं पे पुली नहीं लगी हुई, पानी की समस्या है, तो जैसे कहीं ट्यूबवेल लगवाना या पुलियाँ बनवाना या स्कूल को अपग्रेड करवाना, स्कूल खुलवाना बच्चों के लिए, ये मेन समस्या हल हो जाएं तो बहुत कुछ हल हो सकता है। बेरोजगार 5 साल में बीजेपी रही है यहाँ पे, तो इनमें से कोई काम नहीं किया गया? नहीं, काम तो किए उतने स्तर पर नहीं किए जितना होना चाहिए। इन्हें बड़े जैसे कोई बड़ा काम उन पर तो ध्यान दिया है, ये बात बीजेपी ने भी ध्यान तो दिया है बहुत, लेकिन चंद्रमोहन जी के उस टाइम में, पहले में उन्होंने नीचे सतर से लोगों का काम करना शुरू किया। आपका नाम? मेरा नाम पूनम गोयल। तो आपने इस बार क्या कार्य जो है पिछले सालों में देख के इस बार वोट डाली है? मैंने पंचकूला में ज्ञानचंद गुप्ता ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, तो मैं उससे खुश नहीं हूँ। और चंद्रमोहन ने पंचकूला में पहले जब वो खड़े हुए थे या थे, तो उन्होंने बहुत पंचकूला के विकास में बड़ा योगदान दिया है, तो मैं उससे एग्री होकर मैंने चंद्रमोहन जी को वोट दिया। तो क्या क्या चाहते हैं कि वो, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो हल? सड़कें बड़ी ख़राब हैं पंचकूला की, खड्डे बहुत हैं, जैसे बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है व्हीकल चलाते हुए, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ सड़कें ठीक हों। और कुछ क्या हो सकता था, बीजेपी ने पिछले 5 साल में रही है, तो आपके हिसाब से क्या क्या काम? सड़कें तो बिल्कुल नहीं कर रही है। देखो, एक स्मार्ट सिटी है पंचकूला हमारा, तो मैं ये चाहती हूँ पंचकूला स्मार्ट सिटी है, लोग बाहर से आते हैं और हम तो, वो अच्छी सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो लोग कैसे होंगे खुश। आपका नाम? नरेश कुमार। तो नरेश जी, आपने इस बार मतदान किया है, तो क्या सोच के आपने मतदान किया है, कि आपकी जो समस्याएं हैं कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अगली सरकार हल करेगी? सर मतदान तो आज
क्या जो युवा है या जो भी आज की जनरेशन है वो सारी एजुकेटेड है। हर कोई इंसान अब वोट डालना चाहता है क्योंकि वो उसका अधिकार है। और रही बात समस्याओं की, समस्याएं तो हर सरकार के उसमें रही है, बीजेपी के टाइम पे भी थी, चंद्रमोहन के टाइम पे भी थी, NLO सरकार थी जब भी थी, तो समस्याएं तो रही है, बहुत है ही है। तो मतलब वादे जो हैं हर सरकार करती है आने से पहले, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने अपने वादे जो हैं कुछ हद तक पूरे किए? सर वादे हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, पर देखने में आए तो बीजेपी सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पे अपने वादे तकरीबन जैसे 370 थी या 35 है जो, मतलब कि बीजेपी ने तो कोशिश कर रही है, बट उनका जो नीचे का लेवल है, जो हमारे जिसका आज हम वोट डालने आए हैं MLA लेवल का या ये मुख्यमंत्री का जो भी इलेक्शन है, तो इसमें खट्टर सरकार उतना कामयाब नहीं हो पा रही। जो आप देख सकते हो कि हमारे एरिया में कुछ विकास नहीं हो रहा। कर पा रही। आपने इस बार वोट डाले हैं तो आपने क्या देख के वोट डाले हैं पार्टी को, कि कौन सी जो आपकी प्रॉब्लम्स है कोई पार्टी सॉल्व करेगी? डाल दीजिए जैसे पे डालनी थी। आपने क्या सोचा होगा मतलब कि क्या कौन सी पार्टी है कुछ कर सकती है, इसके बारे में कुछ बताएं जी। डाल ली है अभी कोई सी वोट हो। सविता शर्मा। तो आपने क्या क्यों सोच के इस बार मतदान किया है? बस हमने तो अपना फर्जी अदा किया है, क्यों जानी है ऐसे बेकार भी चली जाए वोट। तो चलो ठीक है, कुछ मुद्दे भी होंगे आपके कि आपको लगा बस ठीक है तो कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं जो चला। विकास हुआ है अगर रामगढ़ की बात की जाए? हाँ जी, पुरानी सरकार रामगढ़ में तो कुछ हुआ ही नहीं है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।